तो यार छोटे छोटे रूल्स होते हैं, छोटे छोटे सुपर ट्रिक्स होते हैं जिनका यूज करके अपना आप टाइम बचा सकते हो। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर फ्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, MOT, यस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो टॉपिक है हमारा कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या आयंस डायमैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक होता है। तो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक करेक्टर पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, इस टॉपिक को पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने होते हैं। यस, उसके बाद आपको नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना होता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मॉलिक्यूल्स और आयंस कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जीरो आ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो क्या इतना सारा काम करने से हम बच सकते हैं? क्या कोई ऐसी सुपर ट्रिक है जिसका यूज करके कंपाउंड को देख करके हम बता दें कि जी यह जो कंपाउंड है या यह जो मॉलिक्यूल्स है या जो यह आयन है यह पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है बिना पेन चलाए? क्या कोई ऐसा सुपर ट्रिक है जिसे हम देखते ही बता दें कि H2, HE2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, H2+ डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, लिथियम Li2+ डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? क्या कोई ऐसा ट्रिक है? यस, ऐसा ट्रिक है जो मैं आपको बताने चल रहा हूं। विद इन कुछ मिनट्स के अंदर आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे किसी मॉलिक्यूल्स या आयन में आसानी से बिना पेन चलाए करने लग जाओगे। ओके, तो चलिए बिना समय गंवाए सीखते हैं किसी मॉलिक्यूल्स या आयंस का पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। इसके लिए सिर्फ मैं आपको छोटे छोटे दो रूल्स बताऊंगा जिसका यूज करके आप आसानी से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर बता सकते हैं। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको छोटे छोटे दो रूल्स देखने हैं। रूल्स क्या है आप हेडिंग लगा सकते हैं, रूल क्या है पहला दिया हुआ है, तो पहला रूल देखते हैं। ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन्स कॉमा 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरा मैग्नेटिक। कम ऑन, क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। क्या ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज विल बी द पैरा मैग्नेटिक? क्या होता है, वेट करिए बताता हूं। दूसरा दिया हुआ है ऑल इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर डाया मैग्नेटिक। याद रखिएगा यहां पर इवन आया है, क्या आया है, इवन इलेक्ट्रॉन्स आया है। तो आपको यहां पर 10 और 16 से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि 10 और 16 भी क्या होते हैं, इवेन होते हैं। ओके, तो ये आपके जा रहे हैं किसमें, ऑड में। 10 और 16 के अलावा जितने भी इवेन नंबर्स आए, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आए, वह क्या होंगे, किसको शो करेंगे, डायमैग्नेटिक को, और यह किसको शो करेगा, पैरामैग्नेटिक को। चलिए अब आपको एग्जाम्पल्स कराता हूं मैं, एग्जाम्पल्स। तो रूल आपने देख लिया, पैरामैग्नेटिक किसी मॉलिक्यूल्स में या किसी आयंस में पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड करने के लिए जो रूल है वो क्या है, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज शोज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। कम ऑन, एक बार फिर से बोलिए, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज शोज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एंड ऑल इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज शोज डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। ओके, आइए एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। मान लीजिए यहां दिया हुआ है HE2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, HE2 दिया हुआ है। तो जो HE2 है, अगर आपसे बोला गया यह HE2 मॉलिक्यूल्स है, यह डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो आप क्या बताओगे, आप देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है,
तो इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 2/1, हीलियम का 2 हीलियम दिया हुआ है, हीलियम और हीलियम दिया हुआ, एटॉमिक नंबर कितना 2, एटॉमिक नंबर 2, तो कितना हो गया 2+2 हो गया, कितना आ गया 4 आ गया। एंड 4 कैसा होता है, इवन होता है कि ऑड होता है, फट से बताइए, इवन होता है कि ऑड होता है, इवन होता है, कैसा हो गया, तो यानी कि यह कैसा हो गया, डाया मैग्नेटिक है। अब आप कोई भी एग्जांपल्स लेकर के आइए, आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ Hg2+ ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, Hg2+ ले रहा हूँ। अब जरा देखो Hg2+ लिया मैंने, तो एक हीलियम का कितना हो जाएगा 2, दूसरे हीलियम का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया, लेकिन यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो प्लस किसी एलिमेंट के ऊपर या किसी के ऊपर जब प्लस चार जाता है इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो जितना प्लस उतना माइनस कर देंगे, तो +1 दिया हुआ तो -1 कर देंगे, कितना हो गया 3, और 3 किस में जा रहा है, ऑड में, तो अभी हो गया क्या, पैरा मैग्नेटिक हो गया, क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक, क्या गया, पैरा मैग्नेटिक गया। अब कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स ले लो आप, लिथियम की बात कर लेता हूं मैं, लिथियम मॉलिक्यूल्स लिया मैंने, क्या लिया, लिथियम मॉलिक्यूल्स। अब आपसे पूछा गया कि लिथियम मॉलिक्यूल्स जो है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कितना टाइम लगाओगे आप, सीधे कुछ नहीं करना है, लिथियम का कितना होता है 3 होता है, तो 3 2 6, यार कितने इलेक्ट्रॉन आ गया 6, और 6 इलेक्ट्रॉन इवन होता है कि ऑड होता है, इवन होता है, तो अभी क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, Li2+ आ गया, तो लिथियम का कितना हो गया 6-1, कितना आ गया 5, क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक हो गया। आगे बात सो में आसान था कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब अगर आपसे बोल दिया गया N2 नाइट्रोजन, कम ऑन, नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, यस मुझे पता है आपने कर दिया होगा, पर से बताओ कमेंट में करके बताओ, कमेंट करके बताओ कितना आएगा, पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा, कमेंट करो, यस आपने कर दिया होगा, सो इंटेलिजेंट। कितना होता है एक नाइट्रोजन का, कितना होता है 7, तो 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, एंड 14 आ गया, एंड 14 क्या है, इवन है, तो इट विल बी डाया मैग्नेटिक होता है, क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो यार छोटे छोटे रूल्स होते हैं, छोटे छोटे सुपर ट्रिक्स होते हैं जिनका यूज करके अपना आप टाइम बचा सकते हो, क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। बात समझ में नहीं आ रहा है, अब इसी क्वेश्चन को आपको किससे करना पड़ता, MOT से करना पड़ता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ता, उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बाद आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आइटम निकालना पड़ता। विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर हमने आपको क्या कर दिया, किसी भी मॉलिक्यूल्स का डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना सिखा दिया। यस कम ऑन, अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा और एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए। फिलहाल मैंने बोला था कि मैं 5 मिनट के अंदर, कुछ ही मिनट के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा, मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ चाहो तो खुद भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो देखो क्या दिया हुआ, मान लिया आपसे पूछा गया O2 O2- O2-2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोला जाए कि इसमें 3 दिए हुए हैं, A, B और C दिया हुआ। अगर इसमें बोला जाए, क्या बोला जाए कि इसमें कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है, निकालने में टाइम लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। यह तुम्हारा क्या हो गया 16 हो गया, यस या नो, यह तुम्हारा क्या हो गया 16 प्लस 1 कितना हो गया 17 हो गया, और यह कितना हो गया 16 प्लस 2 कितना हो गया 18 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18 हो गया। एक और ले लेते हैं, O2+ ले लिया मैंने, क्या ले लिया O2+ ले लिया, मान लीजिए मैंने O2+ ले लिया, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस का 1 कितना आ गया 15 आ गया। आगे बात समझ में, तो अब अगर आप देखो तो पहला रूल मैंने क्या बताया था, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक, तो यह क्या है तुम्हारा पैरामैग्नेटिक है, क्या है पैरामैग्नेटिक है, ओके। यह क्या है 17 है, क्या है ऑड है, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। यह क्या है इवन है, क्या है इवन है, तो इट विल बी डाया मैग्नेटिक, ओके। और यह क्या है इवन है, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक, ओके। देखिए
तो किसी भी आयंस का और किसी भी मॉलिक्यूल्स का पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर इस तरह से आसानी से निकाला जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो क्या इसके लिए आप अपना टाइम बर्बाद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो मेरे सुपर सुपर ट्रिक से आप क्या करोगे, तो मेरे सुपर ट्रिक से आप इसको क्या करोगे, आसानी से सॉल्व करोगे और विद इन फ्यू सेकेंड के अंदर बिना पेन चलाए आप क्या कर जाओगे, सॉल्व करा जाओगे। इसी तरह से अलग अलग टॉपिक्स के सुपर ट्रिक्स जानने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, इस चीज़ को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल डायग्राम अगर आपको बनाना सीखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम अगर सीखना है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट डिफरेंट आयंस का, तो इसके लिए हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत सारे वीडियोस करा रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर देखिए, और उसमें बहुत सारे वीडियोस सुपर ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप उनसे देख करके आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।